नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर, एचडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन इब्राहिम दूसरे दिन रविवार को फिर से जारी किया गया। एचडीआरएफ टीम इब्राहिम को तलाशने का भरकस प्रयास कर रही है। रविवार को जेसीबी द्वारा नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए दो मार्ग अलग से बनाए गए, जिससे पानी में कमी लाई जा सके, युवक को तलाशने में आसानी हो सके। तथाकथित खबर यह भी है, निकल कर आ रही है कि जोधपुर से भी अन्य टीम आने की संभावना है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम मोहम्मद इब्राहिम नदी के पानी में तैरने के लिए उतरा था और तैरते समय नदी के बहाव में वह बह गया। तो शुक्रवार शाम को ही गांव के लोगों ने भरकस प्रयास किया तलाशने का। जब शाम ढल चुकी तो दूसरे दिन एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की, लेकिन शनिवार को भी एसडीआरएफ टीम को कोई सफलता नहीं मिली। तो पुनः रविवार को फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन इब्राहिम एसडीआरएफ ने शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जेसीबी से दो रास्ते अलग अलग से बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी डाइवर्ट हो सके और जल्दी कमी लाई सके। बने रहिए मेरे साथ, फिर आज होंगे नई